दी क्या रहा, क्या की बेसन पूरा गिरा दी। मम्मा मारेगी ना, बोलेगी एक दिन किचन में गए और इतना सामान गिरवा दिए। ये बोगनविलिया का ट्री है, बोगनविलिया का ट्री है, तो मैंने कल लगाया है और मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि बारिश हो रही है तो लग ही जाएगी। और वेलकम टू आवर चैनल निहान विशाल ब्लॉग्स, और पेश है ये नया ब्लॉग आप लोगों के लिए। तो गाइज, ये हमारा 22वां ब्लॉग है जो आप देख रहे हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें। तो गाइज, बारिश हो रही है और नेहा और क्यारा दोनों बारिश का मजा ले रहे हैं खिड़की से। क्यारा, क्यारा से हाय। और देखिए, मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है और बिल्कुल हरा भरा हो गया बारिश होने के कारण। बोलो नानी, बात करोगी नानी से? नानी, अच्छा अभी करा देते क्यारा का बात नानी से। क्यारा अपने नाना जी से बात कर रही है, लेकिन उसका ध्यान कपड़ा पे ज्यादा है और बात करने में कम। नेहा अब क्यारा को सुलाने वाली है, इसको थोड़ा सा झूलने का आदत है। क्यारा सोएगी? सोएगी। चलो नीनू करो। अब नीनू करेगी क्या? अभी तो पूरा नींद आ रहा है, इसका आंख बंद हो रहा है, इसमें गुस्सा में तेल वेल लगा के बाल में पूरा। तो ठीक है, जल्दी सुलाओ क्यारा को, सो जा, कर ले। गाइस, आज सुबह से बारिश हो रही है और मौसम बहुत अच्छा हुआ है, और लेकिन हमारा वाईफाई आज ख़राब हो गया था, सुबह में ही काम नहीं कर रहा था। ये देखिए, यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, और आज आने वाला था लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है। अभी मैं नहीं हो रही थी बारिश, अभी छत पे आया हूँ और ये बारिश स्टार्ट हो गई है। देखिए, बिल्कुल मेरे कैमरे के ऊपर भी पानी आ गया, धुंधला टाइप का आ रहा है। और वाईफाई तो आज काम नहीं कर रहा, तो आज मोबाइल नेट से काम चलाना पड़ेगा। चलता है हमारे यहाँ जियो का, लेकिन स्लो है, और एयरटेल का सिम है नहीं हमारे पास, तो अब देखिए कब आता है बनाने के लिए। और मैं दिखाता हूँ, एक दो ट्री मैंने आज घर कल लगाया था। एक बनाना का ट्री है, ये देखिए। बारिश के मौसम है चूँकि, तो मैंने सोचा कि लग जाएगी, तो मैंने कल लगाया है और मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि बारिश हो रही है तो लग ही जाएगी। और ये देखिए, ये बोगनविलिया का ट्री है, बोगनविलिया का ट्री है, और इसको भी मैंने, मतलब ये पुराना है लेकिन इसको बारिश आने से पहले मैंने कटिंग कर दिया था, तो ये नए नए लीव्स इसमें आ रहे हैं, और उसके बाद इसमें फूल भी बहुत सारे आते हैं। और ये दो कलर का फूल इसमें आता है, एक वो पिंक वाला और एक वाइट भी आता है। तो ये बोगनविलिया का है, और ये तो जनरली सबके घर में होंगे ही होंगे। ये तो फ्री में उग गए हैं हमारे गमले में, खाली था पड़ा था गमला, तो इसमें ये वाला ट्री उग गया, और इसमें भी उग गया है, लेकिन इसमें बीच में कैक्टस का है और इसमें रेड कलर के फूल खिलते हैं ये छोटे वाले, और चारों तरफ से इसको इसने कवर कर दिया है। चार ट्री हैं, 1 2 3 4। और ये देखें, ये भी आप लोगों ने देखा, हमारे यहाँ तो इसे अपराजिता का बोला जाता है। और ये एक दो कलर में देखा मैंने, एक ब्लू भी होता है, हमारे यहाँ वाइट कलर का है, और ये बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया है। ये है बरगद का, बट का, जिसमें नेहा ने पूजा भी किया था। और ये है फ्रेंड्स अड़हुल का, आप लोग जानते होंगे, पता नहीं बिहार में तो अड़हुल ही बोलते हैं, और ये रेड कलर का है, और बिहार से बाहर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, और ये रेड कलर का है। और तो बारिश आने वाली थी तो मैंने इसे पहले कटिंग कर दिया,
ताकि नए इसमें ब्रांचेज आ जाए, और बहुत सारे ब्रांच आ गए हैं। और ब्रांच आने के बाद फिर मैंने सारे ब्रांचेज को कटिंग कर दिया ताकि उसमें से नए ब्रांच निकले और ये गोल टाइप का ट्री हो, बिल्कुल इसी टाइप का, इस टाइप का ट्री हो। देखिए मैंने इसे कटिंग कर करके गोल किया है बहुत, मैंने ये मेरे यहाँ 4 साल से है, बिल्कुल छोटा सा था, अब काफ़ी बड़ा हो गया है और इसको मैंने बिल्कुल कटिंग कर करके गोल करके रखा है अभी तक। ऐसे तो गोल ही होता है लेकिन इसको कटिंग थोड़ा बहुत चाहिए होता है। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। अब दूसरा एक सो प्लांट है, ये देखिए ये एक सो प्लांट है, तो बहुत तेज़ हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है तो ये टूट जा रहा है बिल्कुल। तो मैंने इसे एक लोहे के छड़ से इसको कैप्चर करके रखा है चारों तरफ से ताकि ये टूटे ना, लेकिन टूट जाता है तो क्या कर सकते हैं। ये है एलोवेरा का, और पिछले बार जब तूफान आया था मैंने ब्लॉगिंग भी बनाया था तो 3 एलोवेरा का ट्री था मेरा, एक ये एक बीच में था एक वो था, तो लेकिन एक एलोवेरा का जो ये बीच में था वो उधर गिर गया था, तो वो अभी नीचे सीढ़ी पे रखा है, हमने उठा के लाया था, टूटा नहीं संजोग से क्योंकि बारिश हो रही थी। और ये 2 अभी एलोवेरा के बचे हुए हैं, इसे हम लोग कभी कभी खाते भी हैं और नेहा तो ऑलमोस्ट डेली फेस पे अपना लगाती है। देख सकते हैं ये एक पुराना पानी का टंकी पड़ा हुआ था ऊपर हमारे इस छत, छोटे वाले छत के ऊपर, तो ये पानी का टंकी हमने उतारा है और इसमें मिट्टी भरा था मतलब 15 दिन पहले, और इसमें मैंने अड़हुल के पेड़ लगाए हैं, और अड़हुल के पेड़ में भी ये 6-7 कलर के फूल है। एक ये जो है ये येलो कलर का है, और ये वाला वाइट कलर का है, ये पिंक है, और डार्क पिंक, लाइट पिंक, येलो, मतलब डार्क येलो, सारे मतलब 6 टाइप के इसमें अड़हुल है। एक में ही लगाया है तो उसने बोला था जिसने दिया ये ट्री कि एक बड़े गमला है तो लग जाएगा, तो ये बहुत बड़ा टंकी टाइप का था तो मैंने इसमें लगा दिया है। ये देखिए ये वाइट फूल का, इसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं एक्चुअली, लेकिन ये फूल भी बहुत सुंदर लगता है। और ये देखिए ये भी मैंने लगाया था लगभग 3 साल पहले, बहुत छोटा सा था, बहुत बड़ा हो गया, और ये लोहे की टंकी है और इसमें ही मैं लगाया था क्योंकि ये ट्री बड़ा होता है तो इसके लिए बड़ा गमला चाहिए होता है, छोटा गमला में ज़्यादा बड़ा हो नहीं पाता, वैसे काफ़ी बड़ा हो गया है। और इसका कटिंग किया मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, लेकिन इसमें अभी नए ब्रांचेस आना शुरू हुए हैं, अभी टोटली आ नहीं रहे हैं, बारिश हो रही है तो मे बी और बड़ा हो जाइए। ये है तुलसी जी जो ऑलमोस्ट सभी के घर में होते ही हैं, और तो तुलसी जी हैं तो इसमें भी फूल आए हुए हैं बारिश में। तो ये तुलसी चौरा है हमारा, अभी बनवाया नया लेकिन पेंट नहीं किया है, पेंट भी होगा इसमें, तो छोटा सा पेड़ था लेकिन ये बारिश में बहुत बड़ा हो गया। 11 सो के उठ चुकी है और वो अपने अपनी मम्मी के साथ खेल रही है। क्यों देखो पापा के साथ भी खेलने आ गए। क्या रहा खाना खा ली मम्मी, जूठा नहीं पोछी? अरे तुम्हारा तो खाना खत्म हो गया, वो खाली है अब उसमें नहीं है। हाँ वो खाली है, खाना मांग रही है। ओरियो कहाँ है? ओरियो सो रहा है, ओरियो को अभी जस्ट हम लोग बांधे हैं, उसको नींद आ रहा था, देखिए आँख भी बंद हो गया ओरियो का, तो हम लोग बांध दिए और खोल के उसको सोने देते हैं तो सोता ही नहीं है, घूमते रहता है बस, कभी इधर कभी उधर। ओरियो बस 6 बजे खाना खाएगा। क्या रहा ला हैंड शेक करो। तो अभी हम लोग को चाय पीने का मन था अभी, तो ये बना रहे हैं आज चाय क्योंकि मेरे हाथ में दर्द उठ गया है। क्यारा को सुलाने गए थे तो उसको हिलाना पड़ता है, तो आज सोई भी थोड़ा देर ही, आधा घंटा, तो यही चाय बना रहे हैं। रुकिए आपको दिखाते हैं, कितना दिन बाद मेरे लिए चाय बना रहे हैं। देखिए चाय बनाने का कोशिश कर रहे हैं मेरे लिए पहली बार। आता तो है लेकिन मेरे लिए आप मतलब पहली बार शायद बना रहे होंगे ना। पहले बाबू नहीं थी तो आप बनाते थे। हाँ तो अभी क्यारा है तो ये कभी बहुत मुश्किल से बनाते हैं, तो
और क्यारा भी हमेशा किचन में ही रहती है, देखिए झूठ नहीं बोल रहे हैं। मेरा चाय का नाम है खराब चाय। खराब चाय तो टेस्ट करके देखेंगे ना अभी कैसा बनाते हैं। और यहाँ पे क्यारा का दूध खोल रहा है और क्यारा यहाँ पे डब्बा सब निकाल के बदमाशी कर रही है। देखो क्यारा नानी है, देखो नानी हेलो कर दो नानी। अब फुआ कहाँ है? फुआ फुआ नाना मामा मामा और मौसी मौसी नहीं बोल सकती है अभी। हाँ आपका भी देखते हैं कैसे चाय बना रहे हैं। एक कप दूध दिए हैं, एक कप पानी दिए हैं, एक कप दूध, एक कप पानी, एक कप से कप पानी। गिरा दी बेसन पूरा, देखिए ना इसका बदमाश पूरा बेसन गिरा दी। क्या रहा क्या की बेसन पूरा गिरा दी। मम्मा मारी थी ना, बोले कि एक दिन किचन में गए और इतना सामान गिरवा दिए। वही तो है, इसको मारते ही नहीं ना है। क्या रहा बाहर आ जाओ, पाक पाक किचन में पाक पाक आ जाओ बाहर। ओके आओ बाहर आओ। क्यारा बापू, क्यारा अभी डांस करेगी ना। ओए होए शर्मा गई का, फोन काट दी। मम्मी आ गई का, ओए मम्मी आ गई का, तुम मार खा गई का। क्यारा मार कैसे खाती हो? मार कैसे खाती हो? मार खा गई क्या? कैसे करती हूँ जी?